अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अकॉर्डिंग बेस्ट फेस वॉश। तो अगर आप हम लोग जो है फेस वॉश का जब भी हम कोई करते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं फेस वॉश की, तो सबसे पहले तो हम उसका नाम ही पढ़ते हैं कि हम लोग जब भी लेते हैं, अगर एक्नी के लिए ले रहे हैं, हम अपनी ऑयली स्किन के लिए ले रहे हैं, ड्राई स्किन के लिए ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनकी ऊपर से उनके जो भी लिखा होता है, नाम लिखा होता है, जो उसके मतलब जो भी एवरीथिंग लिखा होता है वो हम रीड करते हैं, उसी लिहाज से हम जो है वो अपने फेस वॉश का इंतखाब करते हैं। तो ये अब जो है वीडियो जो है वो मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो ये जी मेरे पास दो फेस वॉश रखे हुए हैं, एक है एक्नी क्लियर, नाम से ही देखें पता चल रहा है कि एक्नी क्लियर और एक्नी क्लियर के लिए है, और ये है क्लीन एंड क्लियर, तो इसका भी नाम से ही पता है कि क्लीन एंड क्लियर। एक्नी क्लियर और क्लीन एंड क्लियर तकरीबन इनका सेम ही जो है वो काम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने ये जो जैसे सितंबर का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अगस्त और सितंबर जो है ये इस मंथ के अंदर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और हम जो है वो अपना फेस वॉश फौरन से जो है वो चेंज करते हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग जो है वो बिल्कुल और फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं। विंटर के लिहाज से हम यूज़ करते हैं, समर के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से हम लोग इस मौसम में भी हमें अपना फेस वॉश जो है वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है इस में बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है और एक्नीज भी आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमें अपना फेस वॉश जो होता है वो चूज़ करना पड़ता है। तो आप लोगों को अगर अपना फेस वॉश चूज़ करना पड़े तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें, और मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इसमें हर चीज़ जो है वो बताऊँगी, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो अपना फेस वॉश जो है उसको सिलेक्शन करें। तो ये जो है एक्नी क्लियर, एक्नी क्लियर जो है ये मैंने पहले परचेज़ किया था मार्केट में, मार्केट से, और ये 85% जो है वो नेट वेट में है, ये आपको मिलेगा। इस तरह से बॉटल होगी इसकी प्लास्टिक की, तो इस तरह से होगा, ये वाइट कलर है इसका, और ये इसकी जो प्राइस है वो है 270 रुपीज़ प्राइस है इसकी, जी 270, और ये वैसे 270 का है लेकिन प्राइस ऊपर लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने 30 रुपीज़ जो है वो पता नहीं क्यों वो कौन से टैक्स काट लेते हैं, लेकिन वो हमें 300 का ही ये मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है क्लीन एंड क्लियर, अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये बहुत क्लीन एंड क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश है ये, और ये भी ऑयल फ्री है, एक्नी क्लियर है और बहुत ही बेस्ट है। और इसकी जो है ये देखें, इसकी भी प्राइस जो 250 है, तो ये है, ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल होती है जिसके अंदर मिलता है हमें इस तरह से, ये बिल्कुल ज़्यादा थिक नहीं होता, बिल्कुल ऑयली सा और इस तरह से वाटरिंग फॉर्म में होता है ये। तो अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो है वो बेस्ट जो है वो मुझे इस सीज़न के लिहाज से, अगर मैंने पहले लिया था एक्नी क्लियर तो वो मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं किया, अगर आप लोगों को सूट ना करें, मेरे ख्याल में ये इस सीज़न के लिहाज में इस सीज़न में बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो जिस तरह से मैंने एक्नी क्लियर का नाम इसका देखा और मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़े और मैंने सोचा कि ये मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया इस सीज़न में, मेरे एक्नी बिल्कुल भी नहीं रिमूव हुए इसके साथ, मेरी स्किन वैसे की वैसे ऑयली इसके साथ रह जाती थी। लेकिन उसके बाद मैंने जब क्लीन एंड क्लियर को यूज़ किया, तो मैं ऑनेस्टली आपके साथ इसका जो है ना, मैं आज शेयर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये जब मैंने यूज़ किया था तो इसके वाकई मुझे बहुत अच्छे इसके मुझे रिज़ल्ट लगे थे, और बिल्कुल जैसे इन्होंने ऑयल फ्री लिखा हुआ है तो ये वाकई ऑयल फ्री है और बिल्कुल एक्नी, मतलब हालांकि देखें इसमें ज़्यादा है एक्नी क्लियर, लेकिन मुझे जो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे मिले वो क्लीन एंड क्लियर से मिले थे। तो इस जो सीज़न है, ये जो चल रहा है, ये जो मौसम, इसके लिहाज से अगर आप लोग, मेरा ख्याल है कि अगर आप इंतखाब करना चाहें, चूज़ करना चाहें अपने फेस वॉश का, तो आप क्लीन एंड क्लियर कीजिएगा। तो ये जो है ये बेस्ट है, लेकिन ये समर के लिहाज से आई थिंक ये बेस्ट ज़्यादा है, विंटर के लिहाज से बेस्ट है, सॉरी, ये समर के लिहाज से आप लोग क्लीन एंड क्लियर जो है ना वो उसको करें।
इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मैंने तो आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, आगे आप लोग अपनी स्किन जो है वो यूज़ करें और वो आप लोगों को देखें कि कैसा सूट करता है कि नहीं सूट करता, उस लिहाज से आप लोग भी जो है वो चूज़ करें अपना फेस वॉश। तो इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़।